वापस नहीं हो रहा है नहीं, गर्मी मुझे गर्मी भी? मुझे गर्मी अच्छी लगती है, आई मीन ड्राई हीट बहुत अच्छा लगता है, अंदर जाती है, बॉडी के लिए सही होता है, हड्डियों को जरा ठीक कर देती है, नहीं तो ऐसे ही लोग मसाज कराते रहते हैं, है ना बंदा एकदम तंदुरुस्त रहना कितना कितने घंटे आप लोग ऐसे ही धूप में और परवाह भी नहीं? छः घंटे की शिफ्ट होती है। हाँ। जो डे नाइट की शिफ्ट चलती है। सनी देओल की फिल्में देखते हैं आप लोग सब? सब लोग इतना उत्साह से कोई जवाब नहीं दिया अच्छी लगती है फिल्में उनकी? बहुत अच्छी लगती है। हम लोग एक्शन मूवी देखते हैं, सनी सर एक्शन करते हैं। तो सबसे अच्छी कौन सी लगी अभी तक? जो तो मुझे घातक लगा है। अच्छा। और बॉर्डर, बॉर्डर मूवी। बॉर्डर और गदर? गदर भी लगा मैं। सबसे ज्यादा उसमें डायलॉग है ना, कौन सा घातक मूवी में? कौन सा घातक? ये मजदूर का हाथ देखा दिया। हां हां, ये मजदूर का हाथ देखा दिया, लोहा पिघला के आकार बदली कर देता है। ओह, एक मैं बोला था। हां बोलिए। जले को आग, बुझे को राख कहते हैं, इस राख से जो निकले धुआं, उस इस नाचीज को सरोज कुमार झा, इन पाजी को तो कहने की जरूरत नहीं है, सनी देओल कहते हैं। और हम ही हम हुए तो क्या हुए, तुम ही तुम हुए तो क्या हुए, ये हिंदुस्तान की फौज है, 24 घंटा सरहद पे तैनात। कारपेंटर, ऐसे देखा जाए तो पापा का मुझ पर जितना असर है वो मैं हूँ, जो हूँ मैं वो पापा ही हूँ। उनसे ही सीखा है कि हमेशा एक सच्चे इंसान की तरह रहना चाहिए, उनसे ही सीखा कि मेहनत करनी चाहिए, उनसे ही सीखा है कि कभी ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता नहीं लेना जहाँ पर आपको कुछ चीट करना पड़े या किसी को दुख करना पड़े। हमेशा मुश्किल, सच्चाई की मुश्किल है, इसलिए मेरी पापा की फिल्म जो सत्यकाम थी वो पता नहीं मैंने कितनी बार देखी है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जिस तरह से पापा जो भी आता है, कहाँ से भी आता है, जहाँ से भी आता है, सबको गले लगाते हैं और हमेशा कहते हैं, हम वैसे हम एक्टर्स पूरी दुनिया के हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, जिस तरह से हमें बनाया जाता है। और मैं इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि कई बार इंटरव्यू करने का मौका मिला दोनों को, तो मैं इतना कह सकती हूँ कि कितनी भी ऊंचाई तक चले गए दोनों, लेकिन जब धर्म जी होते हैं तो सनी एक एक्टर के तौर पर नहीं दिखते हैं, एक बेटे के तौर पर उनके साथ रहते हैं। और ये संस्कार बहुत ज़रूरी है आजकल, सारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, मुझे लगता है सबको सुनने की ये ज़रूरत है। पर दूसरी चीज़ जो मैंने कही ना, वो डांस भी, जैसा जट यमला पगला दीवाना और सनी देओल का डांस यारा हो यारा, दोनों में जब मैंने पिक्चरें शुरू की थी मैंने सोचा था नाचना नहीं पड़ेगा, मैं एक्टिंग करने आया हूँ, डांस करने नहीं आया। करगिल में भी मौजूद थे और बीएसएफ से है तो सारा ये वाला सेक्टर तो आप पूरा जानते हैं, जहां पर 65-71 हर जगह युद्ध लड़ा गया। तो आज जब दोबारा विजिट कर रहे हैं वो पाकिस्तान, तो ताकत तो हिंदुस्तान की वैसे ही दिखेगी। ताकत तो दिख रही है, साथ साथ में हमारे अंदर एक अलग ही जोश बढ़ रहा है और हम अपने आप को काबू में रख रहे हैं कि कहीं हम ऐसा नहीं कि जोश जोश में आगे की तरफ बढ़ जाएं। नहीं, वो तो चले जाते हैं, उन्हें तो वो कि मुहर नहीं लगेगी तो क्या तारा या डायलॉग आ रहा है पीछे से। देखिए, बीएसएफ आपको पता है कि ये सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम लोग 24/7 365 दिन सीमा की रखवाली करते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम सीमाओं की रक्षा करें। और इस देश ने, देशवासियों ने, इस सरकार ने हमको जो एक भरोसा जताया है उसके ऊपर खरा है। यहाँ पर असल में मुझे किसी ने कहा कि वो आपसे हाथ लड़ा कर देखना चाहते हैं, क्या आप तैयार है? 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा।